दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत ही आसान होता है, बट इसके लिए आपको अपडेटेड रहना होता है नए नए स्किल्स के साथ, आपको अपडेटेड रहना होता है नए नए अर्निंग वेबसाइट के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडियन फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे वेबसाइट के बारे में आपको अपडेट दूंगा जहां पे अगर आप आज के आज अकाउंट क्रिएट करके रखते हो तो इन फ्यूचर आप यहां से बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। जिस वेबसाइट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा उसके इन्वेस्टर है हमारे इंडिया के द लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव। आप में से मेरे काफी सारे व्यूअर्स के रिपीटेड कमेंट्स आते थे, मेरे फेसबुक पेज पे मैसेजेस आते थे कि सर हमें किसी एक ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बताइए जहां पे कंपटीशन लो हो, क्योंकि मैं नॉर्मली जिस फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में बताता हूँ उन सभी में कंपटीशन हाई रहता है और एक बिगिनर के लिए, एक नया फ्रीलांसर के लिए वहां पे कॉम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आज जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो अभी स्टार्टअप में है, वो अभी ग्रो कर रहा है और आज इस टाइम पे अगर आप ज्वाइन होते हो इस वेबसाइट में तो इन फ्यूचर आप यहां से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। साथ ही साथ ये वेबसाइट इंडियन फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, यानी पेमेंट भी यहां से आपको जल्द मिल जाएगा। फाइवर अपवर्क डॉट कॉम जैसे वेबसाइट में पेमेंट मिलने में आपको मिनिमम 15 डेज से लेकर 30 डेज तक कभी कभी वेट करना पड़ जाता है, बट इस वेबसाइट में ऐसा नहीं होगा, इंडियन वेबसाइट है, जितना भी आप अर्निंग करोगे यहां से बैंक में आपको विद इन 3 to 5 डेज मिल जाता है। अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम आता है, अगर आपको लोगो डिजाइनिंग का काम आता है, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो या ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड किसी भी टाइप का काम कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, तो इस वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन में लेके चलूंगा और इस वेबसाइट के बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा, कैसे ज्वाइन होना है वो बताऊंगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट में काम किया है, बट ये जो वेबसाइट है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। क्या कॉन्सेप्ट है इनका, क्यों ये फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, ये तो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में जाके बताऊंगा, बट एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये अभी ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप पे है और अभी अगर आप इस पे ज्वाइन करते हो तो आपका जो फ्रीलांसिंग अकाउंट होगा उस पे अलग से कुछ बेनिफिट्स मिलेगा आपको। यहाँ पे अभी अगर आप काम शुरू करते हो तो आपको कोई कमीशन देना नहीं पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाता है। साथ ही जो मेन बेनिफिट है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत लो है। दोस्तों इस इंडियन फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो। पहला, आप अपना जो भी सर्विस है उसके ऊपर एक गिग क्रिएट कर सकते हो, क्लाइंट आके आपके गिग को चेक करेगा, वहां से आपको हायर किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे क्लाइंट डायरेक्ट प्रोजेक्ट भी पोस्ट करते हैं, वहां पे आप बिड प्लेस कर सकते हो, वहां पे आप प्रपोजल भेज सकते हो और वहां से भी आपको हायर किया जा सकता है, आपके डायरेक्ट प्रोफाइल से भी आपको हायर किया जा सकता है। अभी मैं चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन में आपको लेके और इस वेबसाइट का क्या कॉन्सेप्ट है ये पहले बताता हूँ, फिर यहाँ पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और कैसे अपना गिग बना सकते हो और भी जितने भी इसके डिटेल्स है सब कुछ आपको लैपटॉप स्क्रीन में ले जाके बताता हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट का URL है wizcounsel.com। बिजनेस रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो इस वेबसाइट में आपको हेल्प मिल जाएगा, चाहे वो इशू टैक्स रिलेटेड हो, GST रिलेटेड हो, अकाउंटिंग सर्विस रिलेटेड हो, या आपको ट्रेडमार्क बनवाना हो, या कॉपीराइट इशू हो, या किसी लीगल एडवाइस चाहिए आपको, तो इस वेबसाइट से आपको हेल्प मिल जाएगा। एज अ फ्रीलांसर wizcounsel.com में ज्वाइन होने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर रजिस्टर एज एन एक्सपर्ट के बटन पे पहले क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर फ्री करके एक बटन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। साइन अप का पेज आपके सामने ओपन हो गया है, यहाँ आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, आप किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हो, किस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहते हो, अपना ईमेल आईडी, एक पासवर्ड और रेफरल कोड डाल के यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पे नीचे क्लिक कर देना है। या प्रोफेशन के अंदर आपको अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करना होगा, जिस स्किल के ऊपर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो। मैं यहाँ पे वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे और भी स्किल्स दिया हुआ है, और भी कैटेगरीज दिया हुआ है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आप ध्यान से लिखें क्योंकि ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाना होगा, इसलिए ईमेल आप ध्यान से लिखें। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, एक ऐसा पासवर्ड जिसको आप याद रख सको, और नीचे रेफरल कोड देने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप रेफरल कोड डाल सकते हो और फिर नीचे गेट स्टार्टेड के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है वी हैव सेंट एंड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक। तो मैं अभी अपना ईमेल को ओपन कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का ईमेल आपको भी मिलेगा। यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन आप देख सकते हो, इस बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ईमेल आपके अकाउंट के साथ वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट तो क्रिएट हो गया है, बट ये अकाउंट अभी पूरी तरीके से सेट नहीं है, तो मैं इसको सेट करता हूँ। देखिए मैं कैसे करता हूँ। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक ग्रीन कलर का आइकॉन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो प्रोफाइल का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपने सारे डिटेल्स को फिल करना होगा, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है,
एडुकेशन डिटेल्स आपको देना होगा, आपका एक बायो लिखना होगा, पेमेंट डिटेल्स देना होगा, और भी जितना भी डिटेल्स है यहाँ पे देना होगा, और आपका सर्विस भी प्रोवाइड करना होगा। जब यहाँ पे आप एक्टिव रहोगे यानी जब आप ऑनलाइन रहोगे तो यहाँ पे आप एक्टिव को सिलेक्ट करके रखना, जब ऑफलाइन रहोगे तो इसको आप बिजी कर देना। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हमारे सारे डिटेल्स को फिल करते हैं। पहले बेसिक डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर शो हो रहा होगा जो आपने पहले डाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो फोन नंबर जो है वो वेरीफाइड नहीं है, तो फोन नंबर को पहले वेरीफाई करवाना होगा। यहाँ पे साइड में वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है, और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे साइड में जो ब्लू कलर का वेरीफाई का ऑप्शन है जो लिखा है वेरीफाई, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तो आपका जो फोन नंबर है वो भी आपके अकाउंट के साथ वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो ग्रीन कलर का आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो प्रोफाइल इमेज अपलोड हो गया है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ और हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपको अपना एड्रेस डालना होगा। जैसे जैसे आप अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल करते जाओगे वैसे वैसे इनका कलर भी चेंज होता जाएगा, जैसे कि बेसिक डिटेल्स जो है वो ग्रीन कलर का हो गया है। तो हम अपने बाकी सारे डिटेल्स को भी यहाँ पे फिल करने वाला है। यहाँ पे मैं पहले एडुकेशन डिटेल्स फिल करता हूँ। एडुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल का एक बायो देना होगा। यहाँ पे टीम विज काउंसिल ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो बायोग्राफी है वहाँ पे आप देख सकते हो एक डेमो लिखा हुआ है। जो नए फ्रीलांसर्स होंगे, जो बिगिनर्स होंगे, वो इस डेमो को देख के अपना बायोग्राफी लिख सकते हैं। ऊपर सबसे पहले आपको अपना एक कैप्शन डालना होगा जो कि आपके नाम के नीचे शो करेगा, फिर नीचे बायोग्राफी, और फिर नीचे आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब का लिंक आप डाल सकते हो। बायो डालने के बाद हमें पेमेंट डिटेल्स डालना होगा। पेमेंट डिटेल्स में जैसे ही आप अपने आईएफएससी कोड को यहाँ पे डालोगे और सर्च करोगे तो आपका बैंक का नाम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अकाउंट होल्डर का नाम डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना होगा, और बस सेव बटन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स में आपको अपने बिजनेस का नाम डालना होगा, अपने कंपनी का नाम डालना होगा। अगर कोई कंपनी नहीं है, आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हो, तो आप अपना नाम डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपके अंडर कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप यहाँ पे 1 डालिए और टाइप ऑफ बिजनेस में इंडिविजुअल डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर देना होगा और नीचे सेव टू माई प्रोफाइल के बटन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको प्रोडक्ट सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपने गिग को सेटअप करोगे। यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के ऊपर है, वीडियो एनिमेशन के ऊपर है, फोटोग्राफी के ऊपर है, वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर है। यहाँ पे आप सारे कैटेगरीज को चेक कर लीजिए। आप जिस भी स्किल के ऊपर काम करना चाहते हो उस स्किल को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर भी है, और मेनू डिजाइनिंग के ऊपर भी है, और वेबसाइट डेवलपमेंट भी है, वीडियो एनिमेशन भी है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट को सिलेक्ट करूंगा। तो अभी हमें गिग बनाने को बोला जा रहा है, और इसका इंटरफेस आप देख सकते हो। अगर आपने फाइवर पे काम किया है, फाइवर पे आप अगर गिग बनाए हो पहले, तो उसी तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको अपने गिग का टाइटल देना होगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, फिर यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम प्राइस आपको सेट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने गिग का एक इमेज या फिर वीडियो अपलोड करना होगा, और नीचे भी आपको एक वीडियो अपलोड करना होगा। क्योंकि ये गिग मैं वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर बना रहा हूँ, इसलिए एक्सटर्नल लिंक्स में मुझे अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो मैंने पहले कंप्लीट किया है, जो वेबसाइट मैंने पहले डिजाइन किया है, उन सारे वेबसाइट्स का लिंक मुझे डालने का ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी जल्दी से मैं अपना गिग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको एसईओ फ्रेंडली लिखना होगा, तभी ये रैंक करेगा। आप प्राइस सेक्शन में अपने हिसाब से प्राइस सेट कीजिए। बेसिक प्राइस आपका सबसे लोएस्ट होगा और प्रीमियम प्राइस सबसे हाई प्राइस रहेगा आपके गिग का। और यहाँ पे आपको डिलीवरी टाइम भी देना होगा। बेसिक पैक आप कितने टाइम के अंदर डिलीवर करोगे, स्टैंडर्ड पैक आप कितने टाइम के अंदर डिलीवर करोगे, और प्रीमियम पैकेज आप कितने टाइम के अंदर डिलीवर करोगे। यहाँ पे प्राइस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो बेसिक पैकेज के अंदर कुछ सर्विसेज दिया गया है, स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर कुछ सर्विसेज दिया गया है, और प्रीमियम पैकेज के अंदर कुछ सर्विसेज दिया गया है जिनको आप एडिट नहीं कर सकते। ये मुझे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लगा। मैं टीम विज काउंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यहाँ पे आप एडिटिंग का भी ऑप्शन रखिए, ताकि जो एक फ्रीलांसर आएगा वो अपने हिसाब से यहाँ पे जो सर्विस वो प्रोवाइड करना चाहेगा वो यहाँ पे डाल सके, या फिर यहाँ से वो एडिट कर सके। बेसिक पैकेज के अंदर आप सबसे कम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए इसका डिलीवरी टाइम आपको कम रखना चाहिए, और इसका प्राइस भी आपको सबसे कम रखना चाहिए।
प्रीमियम पैकेज में आप सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको डिलीवरी टाइम भी आप चाहो तो ज्यादा रख सकते हो या सेम रख सकते हो, और प्राइस भी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। फिर नीचे आपको यहाँ पे अपने गिग का एक इमेज अपलोड करना होगा, जहाँ पे आप कौन कौन से सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो वो क्लियरली शो होगा। तो मैं यहाँ पे एक इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नीचे एक वीडियो फाइल को भी अपलोड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक गिग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने ये अपलोड कर दिया है। नीचे मैं अपने प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट्स के एक्सटर्नल लिंक डालूंगा। गिग के सारे डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव टू माय प्रोफाइल के बटन पे क्लिक कर देना होगा, तो आपका गिग सेव हो जाएगा। गिग सेव होने के बाद अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे सी गिग का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने गिग को देख सकते हो कैसे वो सेटअप हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरा जो गिग का इमेज है वो शो हो रहा है, मैंने जो प्राइस डाले थे वो शो हो रहा है, नीचे मेरे गिग का डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है, मेरा प्रोफाइल शो हो रहा है, बट जो मैंने गिग का वीडियो अपलोड किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन देख सकते हो, जिसपे क्लिक करके आप अपने गिग को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं जिस जगह पे इमेज को अपलोड किया था वहां पे मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और सेव टू माई प्रोफाइल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा गिग सेव हो गया है। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं मेरा वीडियो अभी यहाँ पे आया है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो भी अभी यहाँ पे आ गया है और ये प्ले भी हो रहा है। और Wizcounsel में ना सिर्फ आप गिग बना सकते हो बल्कि यहाँ पे जॉब फीड के अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप मैनुअली प्रपोजल सेंड कर सकते हो। बट मैनुअली प्रपोजल आप तभी सेंड कर सकते हो जब आपका प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगा। एक बार प्रोफाइल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे सेंड प्रपोजल पे क्लिक करके आप प्रपोजल सेंड कर सकते हो। कैसे प्रपोजल लिखा जाता है, कैसे प्रपोजल भेजा जाता है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट पहले भी मैंने कई सारे अपने फ्रीलांसिंग वीडियो में कैसे आपको प्रपोजल भेजना चाहिए उसके बारे में बताया है, तो आप प्रीवियस वीडियोज को भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि Wizcounsel जो है वो अभी स्टार्टअप पे है, इन्होंने अभी अभी फ्रीलांसिंग में कदम रखा है, तो यहाँ पे अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो हो सकता है बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के तरह जिनके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया उनकी तरह बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा काम आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, शुरू शुरू में नहीं मिलेंगे, बट कुछ महीने बाद आप यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ये वेबसाइट बहुत जल्द ग्रो करेगा। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नीचे डेट चेक कर लेना, और आज से 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद इस वेबसाइट को आप चेक करना। अभी आप अकाउंट क्रिएट करके रख दो, आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ये वेबसाइट बहुत जल्द ग्रो कर जाएगा। आज का ये वीडियो आपके कमेंट के रिगार्डिंग बनाया गया है। आप जानना चाहते थे एक ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में जहां पे कंपटीशन लो हो और जहां से आप अर्निंग कर सको, तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक यू।